बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, हे शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, हे शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, हे शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, हे शेर वाली मैया। जलवा तेरा दिखा दे, जलवा तेरा दिखा दे मेरी मैया, जलवा तेरा दिखा दे मेरी मैया, जलवा तेरा दिखा दे, हे शेर वाली मैया। आप सभी संगीतकारों को स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत, भावपूर्ण गीत माता रानी का आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, नोटेशन के साथ, ताल के साथ और आलाप के साथ, अलग अलग इफेक्ट के साथ। बड़ा ही फेमस भजन है, अभी डेमो में आपने देख ही लिया है। कई सारे मित्रों की डिमांड आ रही थी कि सर नवरात्रि चल रही है, कोई माता रानी का भजन आप बताएं, तो आज बड़ा ही फेमस भजन लखवीर सिंह लखा साहब का गाया हुआ है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इस भजन को नोटेशन के साथ में, ताल के साथ में कैसे गाना है जाना है। आइए शुरू करने से पहले जान लेते हैं कौन कौन से स्वर इसमें प्रयोग होंगे। तो देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, कोमल नी का इसमें प्रयोग होगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। मंत्र सप्तक की बात करें तो कोमल नी पा धापी हम ले सकते हैं और गा भी ले सकते हैं, आपकी आवाज़ जाती है तो गा तक ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप पा तक, पा से लौट के भी सा पे आ सकते हैं। तार सप्तक की बात करें तो गंधार तक हमें ले जाना है, सारे गा, तीन स्वर इसमें तार सप्तक के प्रयोग होंगे और ज़्यादातर ये मध्य सप्तक में ही ज़्यादातर बजेगा। थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है जो तार सप्तक में जाता है और बाकी शुरुआत जब करते हैं तब मध्य सप्तक में हम आते हैं। तो आइए देखते हैं शुरू कैसे करना है। तो थोड़ा सा एक आलाप छोटा सा, उसके बाद एक दोहा, उसके बाद हमें इसको शुरू करना है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आलाप, अभी काली एक से मैं आपको बता रहा हूँ, सी शार्प से मैं आपको प्ले करके बता रहा हूँ, स्वर भी मेरा वही और बजाने का अंदाज भी काली एक से है। देखिए, पहला इफेक्ट देखिए, शुरुआत में वो थोड़ा सा कलाप लेते हैं, अब उनका जो स्केल है काली पांच है, काली पांच से उन्होंने गाया है। अब काली पांच से मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको, तो इसलिए मेरा अंदाज़े बजाने का काली एक से ही है। स्वर उनका बहुत ऊंचा है, हमें अपनी रेंज के हिसाब से, अपनी स्केल के हिसाब से इसको गाना है, उनकी कॉपी नहीं करनी है, किसी भी सिंगर की हमें कॉपी नहीं करनी है। हमें जहाँ कंफर्टेबल होता है फील गाने में, गला हमारा जहाँ पे चलता है, जहाँ पे दिक्कत नहीं होती, हमें वहीं पे गाना है, उसी स्केल में गाना है। ठीक है, नोटेशन में आपको दे रहा हूँ, वही स्वर आप किसी भी स्केल से प्ले करके बजा सकते हैं, सीख सकते हैं, दो से भी ले सकते हैं, तीन से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, यदि आप फीमेल है तो काली पांच से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटा सा अलाप, अलाप लेना है हमें गा से, गा और रे का, गा का थोड़ा सा कण है, गा रे बड़ा फास्ट करना है, उसके बाद साफ करना है। देखिए कैसे, आप नीचे का हो गया, सा ग रे सा नी पा धा नी सा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो अलाप है हमें लेना है गा से, देखिए, आ
गा पधा सा सा को थोड़ा सा टच करना है, सा का कण लेना है और नी पे आना है। देखिए फिर से धा सा नी, ये बड़ा फास्ट लेना है हमें, धा पे थोड़ी सी हरकत भी लेनी है। धा पे थोड़ा सा इफेक्ट लेना है, थोड़ा रियाज करना पड़ेगा। गा पा धा सा नी थोड़ा फास्ट लेना है, फिर धा पे थोड़ा सा इफेक्ट लेना है, फिर पा, फिर गा, फिर रे सा रे गा, ये स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। देखिए फिर से ठीक है, ये सेकंड आपका इफेक्ट है। ऊपर भी ले जा सकते हैं इसको, देखिए इतना लंबा खींचना है, जितना होता है उतना ही करना है, बाकी अभ्यास करना है, अभ्यास से रियाज से सारी चीज संभव है। आइए फिर से देखते हैं दोनों आलाप को। सेकेंड लाप में कौन कौन सुर लेना है, ग प धा सा नी, फिर सा ग रे सा, ग रे थोड़ा सा फास्ट लेना है, फिर सा नी धा, धा पे हरकत लेनी है, पा गा, ठीक है, फिर सारे गा, गा पे हमें रुक जाना है कॉर्ड के साथ में। ओके, इसके बाद में हमें दोहा लेना है। देखिए दोहा, तो जो दोहा है हमारा हमें रे से लेना। देखिए सदा पापी से भी पापी को तुम माधव सिंधु सदा पापी से भी पापी को तू सदा पापी से पापी को भी तू रे गा रे गा दोनों स्वर पे है ये लाइन। सदा पापी से पापी को भी तू माधव सिंधु तारी स्वर स्क्रीन पर आ रहे हैं। रे ग रे ग रे ग रे सा सदा पापी से पापी को भी तुम माधव सिंधु तारो। अगली लाइन फसी मझधार में नैया को भी पल में उबारी हो, दोनों के सेम नोटेशन है। फसी मझधार में नैया को भी पल में उबारियो। आइए तीसरे लाइन देखते हैं। न जाने कौन ऐसी भूल हमसे, न जाने कौन, ये थोड़ा सा फास्ट लेना है यहां से। न जाने कौन भूल हमसे, भूल हमसे हो गई मैया, इतना हमें लेना है। न जाने कौन ऐसी भूल हमसे हो गई मैया, ठीक है। उसके बाद अगले तुम अपने इस बार तुम अपने
मन से विसारी हो, मन से विसारी हो, तुम अपने इस बालक को मन से विसारी हो। ओके, इस तरीके से आपको चारों लाइन गानी। आइए चारों के बाद फ्लो में देखते हैं। सदा पापी से भी पापी को तुम माहम सुंदरी हो, फसी मझधार में नैया को भी पल में उबारी हो, न जाने को आखिरी में हमें सारे गा गा पे हमें रुकना है, क्योंकि गा से हमें लाइन शुरू करनी है। तो देखिए कहां से, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, गरे मागरे सान, बिगड़ी मेरी बना दे। उसके बाद एक छोटा सा आलाप के रूप में लेते हैं, वो देखिए कैसे। मैया जी मेरी मैया, मैया जी मेरी मैया, गपनी सा गारे सानी सा, ये सुर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। इसके बाद में हमें फिर से मई से शुरू करना है। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रुवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रुवाली गपदा पामा, ऐसे रुवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ए शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ए शेर गपधा, ए शेर वाली मैया। नोटेशन वीडियो में आ रही है, तो आप और स्पीड चाहे तो वीडियो की स्पीड कम करके भी आप देख सकते हैं, मेरी उंगलियों की पोजीशन देख करके भी आप, हरकत देख करके भी आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। बाकी नोटेशन वीडियो में आ रही है, देखिए फिर से। बिगड़ी मेरी बना दे, गरे मागरे सा, ए शेर गपधा, ए शेर वाली गपधा पामा, ए शेर वाली मैया, मा पागारे सा। इतने सारे स्वर है इस लाइन में। ए शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ओके, अगली लाइन की लाइन पा को बेस मान के साथ से हमें लेनी है। देखिए, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, पसानी सानी दन, बिगड़ी मेरी बना दे, ए शेर वाली मैया। फिर से देखिए, बिगड़ी मेरी बना दे, ए शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। थोड़ा सा इफेक्ट भी लेना है आपको। बिगड़ी मेरी बना दे, ए शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ए शेर वाली मैया, ए शेर वाली मैया, ए शेर वाली मैया, सानी सानी दा, ए शेर वाली मैया, ए मेहर वाली मैया।
फिर हमें नीचे आना है। ए शेरो वाली मैया, ए मेहरो वाली मैया, ठीक है। दर पे मुझे बुला ले, या फिर चरणों में अपना ले। लिरिक्स इसकी गूगल पे आपको मिल जाएगी, इसलिए आप शब्दों को में ना उलझे, शब्द आपको सारे लिरिक्स में यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अंदाज बता रहा हूँ। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे गरे मागरे सा, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया। सा से सीधा पा पे जाना है। अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले ए शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका स्थाई मुखड़ा गाना है। उसके बाद आपको अंतरा लेना है। अंतरा देखिए, अंतरा भी हमें ऊपर लेना है, पा से, पा को बेस मान के सा से स्टार्ट करना है। देखिए, दर्शन को मेरी अखियां, सा 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 नी सा, दर्शन को मेरी अखियां, सा 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 नी सा, दर्शन को मेरी अखियां, सा 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 नी सा नी दा, दर्शन को मेरी अखियां, कब से माधा कब से तरस रही है, सा नी धा, ठीक है। उसके बाद मा धा पा, ये स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। उसके बाद एक अंदाज है, वो भी आप सीख लीजिए। मेरी ये अखियां, ठीक है, ये अंदाज है। मेरी ये अखियां, मेरी ये अखियां, मेरी ये अखियां। सेकंड बार में, पहली बार में नीचे आना है गाप पे, फिर दूसरी बार में सा पे जाना है, क्योंकि सा से हमें उसको वापस उठाना है। फिर से देखिए, मेरी ये अखियां, ठीक है, मेरी ये अखियां, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। अगली लाइन, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। दोनों की लगभग सेम ही नोटेशन है। सावन के जैसे झरझर, यहां पे भी थोड़ा सा इफेक्ट है, गातक ये जाता है, एक इफेक्ट है छोटा सा, देखिए। सावन के जैसे झरझर झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर झरझर। गा रे सा, गा और रे दो स्वर इसमें एक्स्ट्रा प्रयोग हुए हैं। देखिए, सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। चरणों में अपना ले, चरणों में अपना ले मेरी मैया, चरणों में अपना ले मेरी मैया, चरणों में अपना ले, चरणों में अपना ले। वही स्वर है, वही नोटेशन है। गरे मा गरे सा, चरणों में अपना ले, चरणों में अपना ले ए शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना।
अंतरा और देखते हैं इसके बाद में इसको ताल के साथ कैसे गाना है। ये दोनों अंतरों को मैं आपको ताल के साथ गाना भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सेकंड अंतरा देखते हैं, इसकी भी सेम नोटेशन है। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे आते हैं तेरे दर पे आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी। आते हैं तेरे दर पे पसा जानी जाने दा, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। इसकी जो नोटेशन है पहले अंतरे की तरह है, इसलिए मैं आपको इसमें नोटेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको केवल शब्द चेंज करना है और उन्हीं स्वरों में आप इन शब्दों को ऐड करेंगे तो ये सेकंड अंतर आपका तैयार हो जाएगा। ओके, देखिए इसलिए मैं आपको नोटेशन नहीं दे रहा हूँ। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे आते हैं तेरे दर पे आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी। सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरवाली, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरवाली। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले गरे माँ गरे सांसा, दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया गरे माँ गरे सांसा पामा गरे। ये सब इसमें उपयोग है। दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले ए शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना। ओके, इस तरीके से आप इसको सेकंड अंतर को गा सकते हैं। आइए इन दोनों अंतरों को हम ताल के साथ देखते हैं। केरवा ताल इसमें प्ले होगी और केरवा ताल में आप इसको गा सकते हैं। जैसा कि आप अभी सुन पा रहे हैं केरवा ताल यहाँ पे प्ले हो रही है, 8 मात्रा की ताल है और आप इस ताल के साथ इस भजन को बड़ी आसानी से गा सकते हैं। इसका जो टेम्पो है, अभी मैंने जो 300 टेम्पो इसका सेट कर रखा है, आप टेम्पो कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। आपको एक लयकारी समझ में आ जाए, एक रिदम समझ में आ जाए, एक गति समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इसको ताल के साथ बता रहा हूँ। आइए देखते हैं कैसे करना है। सम से हमें शुरू करना है, पहली मात्रा से। देखिए बोल क्या है, धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन धा, तो धा पे समय इसका, धा से हम उठाएंगे, जैसे ही धा आएगा हम शुरू करेंगे। देखिए धागे ना तिनक दिन बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे हे शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे हे शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे हे शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे हे शेर वाली मैया। शेर वाली मैया
सुनता देखते हैं। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, चाहे तो गातक भी जा सकते हैं। देखिए, सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। आप इस भजन को ताल के साथ गा सकते हैं और नोटेशन मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। यदि आप मुझसे पर्सनल जुड़कर संगीत सीखना चाहते हैं, आपको मेरा अंदाज पसंद आता है और आपको फ़ायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं और आप लोगों को सजेस्ट करूं, आपको गाइड करूं, तो उसके लिए एक न्यूनतम शुल्क है 1000 रुपीज़ जो आपको वन टाइम पे करना है, लाइफ में एक बार पे करना है और आप हमेशा के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। आप टिप्स लेना चाहते हैं, मैं टिप्स से आपको दे सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, आपका रिप्लाई भी करूँगा। कई सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कई सारे लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल आपको संगीत सिखाऊँ, वीक में आपकी क्लास लूँ अल्टरनेट, या जब भी आपको ज़रूरत लगे मेरी, मैं आपको वीक में आपकी 2-3 बार क्लास लूँ और विधिवत रूप से आपको सिखाऊँ, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। उसकी जानकारी आप मेरे WhatsApp नंबर जो स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पर मैसेज भेज करके ले सकते हैं। और यदि आप टेम्परेरी मुझसे जुड़ना चाहते हैं कि बीच बीच में आपसे बात करता रहूं, आपको कहीं दिक्कत आती है जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके संबंध में या नोटेशन के संबंध में, और आप छोटे छोटे टिप्स आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 1000 रुपीज़ आपको वन टाइम पे करना है और आप हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। ये आपको वन टाइम ही करना है, ओके। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी विकल्प आप लेना चाहें आप दोनों माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नए अंदाज में आपसे फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।